के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। जी बिहार झारखंड से बात करते हुए बीजेपी प्रभारी भूपेंद्र यादव ने एलजेपी पर जमकर हमला बोला। भूपेंद्र यादव ने कहा कि अभी 3 महीने पहले तक वो हमारे साथ खड़े थे, अचानक अपना रुख क्यों बदला। यही नहीं, भूपेंद्र यादव ने चिराग को याद भी दिलाया कि फरवरी में दिल्ली इलेक्शन के दौरान चिराग पासवान 7 निश्चय योजना की खूब तारीफ कर रहे थे, दिल्ली में इस योजना के नाम पर वोट भी मांग रहे थे। तब तो उन्हें इस 7 निश्चय योजना में कोई खामी नजर नहीं आई, अब अचानक उन्हें 7 निश्चय योजना में खामी नजर क्यों आ रही है। भूपेंद्र जी, एक और जहां पे आपके गठबंधन के जो सहयोगी रहे, चाहे केंद्र में ही हो, एलजेपी की ओर से लगातार कहा जा रहा है कि 15 वर्षों में कुछ भी नहीं हुआ है, वो अपने तर्क संगत बातों को भी रख रहे हैं, तो ऐसे में आपके लिए आप बीच में है, बड़ा दुविधा की स्थिति है। नहीं, हमारे को दुविधा की स्थिति नहीं है, अभी तो 3 महीने पहले तक हमारे साथ ही थे। फरवरी में तो वो दिल्ली में ये 7 निश्चय की बड़ाई का भाषण दे रहे थे, उसका वीडियो भी है। अब ये तो उनको जवाब देना है, उन्होंने अपनी सोच क्यों बदली है, हम उस पर टिप्पणी नहीं करना चाहते और हम उसको कोई महत्व का विषय भी नहीं मानते। लेकिन जो विजन डॉक्यूमेंट्स में बातें रखी गई हैं, तमाम जो आयाम गिनाए गए हैं, उन तमाम बातों को वो सिरे से खारिज कर रहे हैं, चाहे वो शिक्षा की बात हो, स्वास्थ्य की बात हो, हॉस्पिटल या इंफ्रास्ट्रक्चर गिनाना अलग बात है, लेकिन जहाँ पे डॉक्टर्स या उनके बहाली की बात हो, दवा की बात हो, तो उनसे पूछिए ना, उनका 4 महीने में स्टैंड उनका क्यों बदला है, तो उनका स्टैंड है, वही क्लियर।